हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर की मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक है इस चैप्टर के कवर हो जाए सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट की होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर मीन दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सोल्यूशन सारे कम्पोनेंट क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अब याद रखना इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट होता है लार्ज क्वांटिटी में सोल्यूट होता है हमारा स्मॉल क्वांटिटी में और इस चैप्टर में हम बात करेंगे बाइनरी सोल्यूशन की बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है इट इज कंपोज ऑफ ओनली टू कंपोनेट सिर्फ दो कंपोनेंट जब प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन एग्जाम्पल इथेनॉल इन वाटर आयोडीन इन एल्कोहल आयोडीन इन एल्कोहल को टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं इसमें इथेनॉल और आयोडीन क्या हो जाएंगे सोल्यूट हो जाएंगे वॉटर एंड एल्कोहल विल बी सोल्वेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट सबसे पहले होंगे हमारे गैसियस सोल्यूशन गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा जो सॉलवेंट होगा वो क्या होगा गैस होगा सबसे पहले होगा गैस इन गैस इसमें आ जाता है हमारा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो हमारा एयर होता है नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस जैसे क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन और सॉलिड इन गैस कैंफर इन नाइट्रोजन नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड की में सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल तो है, तो है, है जैसे ग्लूकोज इन वाटर नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड सोल्यूशन की गैस इन सॉलिड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम प्लेटिनम भी ले सकते हो लिक्विड इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड मतलब एमलगम ऑफ एमलगम क्या होता है एलॉय ऑफ मर्क्री विथ आप किसी के साथ भी बना सकते हो विथ सोडियम ठीक है एलॉय ऑफ मर्क्री नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन सॉलिड 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 भी सोल्यूशन बना सकते हैं जैसे हमारे एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्स जो दो या दो से ज्यादा मेटल से कंबाइन करके बनते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है सो so, हमने सबसे पहले पढ़ेंगे हम मास परसेंटेज मास परसेंटेज होता है W बाई डब्ल्यू परसेंटेज और ये इक्वल होता है मास मास ऑफ ऑफ द द डिवाइडेड बाय टोटल तो हम क्या करते हैं अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम सोल्यूट को में हम मेजर करते हैं प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में उसे बोलते हैं हम मास परसेंटेज और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज नेक्स्ट हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और W बाई वी परसेंटेज ठीक है तो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन एम एल इन टू हंड्रेड तो हम जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेते हैं वो तो हम वेट करते हैं उसके ग्राउंड में जैसे आपके पास एन ए सी एल है डिजॉल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ द सोल्यूशन जो सोल्यूशन है वो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं ठीक है तो ये हो जाता है w बाई वी परसेंटेज नेक्स्ट हो जाता है हमारा volume percentage v, v. इसमें हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ दूट हम सोल्यूट का volume लेते हैं सोल्यूशन एल्कोहल को वॉटर में डिजोल्व किया हुआ है तो क्या होगा द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इज इन एम एल उसका भी हम वॉल्यूम लेंगे डिजोल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन फोर्थ हमारा पार्ट्स पर मिलियन विच इज पीपीएम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दल्यूट डिवाइडेड बाय

टेन पर सिक्स पार्ट ऑफ दूशन की ले तो कंपोनेट ठीक है सपोज to हमारे पास दो कंपोनेंट है दोनों के मोल्स एन ए एन एन बी तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स और अगर आपके पास दो कंपोनेंट है दोनों मेल फ्रैक्शन को आप ऐड करते हो तो वो दैट विल बिकम इक्वल टू तो वन सिक्स हमारी कंसल्टेशन टर्म है मोलैरिटी जो होता है कैपिटल एम सो इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सेल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन इन स्लैश डेसीमीटर क्यूब तो वन लीटर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है सो नंबर ऑफ ऑफ मोल्स इन लीटर ऑफ हैं तो वन लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सेव होते हैं उसे बोलते हैं मोलैरिटी और इंपॉर्टेंट चीज क्या इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी डिक्रीज होती है नेक्स्ट अगर हम बात करें मोलैलिटी मोलैलिटी होता है स्मॉल एम एंड इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ़ द सॉल्वेंट के जी मास ऑफ सॉल्वेंट हम के जी में लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट क्योंकि दोनों मास हम मास ले रहे हैं के जी में याद रखना वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता सो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर

फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सपोज आपने एन ए सी एल वॉटर में डिजोल्व किया हुआ है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इसमें याद रखना जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो डिजोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में जैसे एच सी एल है वो पोलर है वो वॉटर में डिजोल्व हो सकता है वो भी क्या है पोलर एंड नॉन पोलर जो सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं जैसे हैगजेन है वो बेनजीन में डिजोल्व होता है. है, है दोनों नॉन पोलर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक ठीक है नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन मतलब कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है अगर प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक है डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और याद रखना अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चेटल प्रिंसिपल टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एक्सुट रिएक्शन में क्या होता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट रिलीज हो रही है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या करेगा इट विल ट्राई टू रिड्यूस द हीट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर इट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्योंकि हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में जो सॉलिड होते हैं दे आर इनकॉम्प्रेसिबल और उसके प्रेशर को चेंज करने से सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इफेक्ट ऑफ प्रेशर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर सपोज आप क्या कर रहे हो गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो जैसे आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा जो गैस है वो लिक्विड में क्या करेगा ज्यादा डिजोल्व होगा वो हिट करेगा सरफेस ऑफ द लिक्विड में ज्यादा डिजोल्व होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है तो इसी में हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ हेनरी लॉ बताता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर वो डायरेक्टली प्रेसोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन तो अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है सोल्यूशन में गैस ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन और हम लिख सकते हैं पी पील टू के एच काई के एच होता है हमारा हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट नेक्स्ट के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है सॉलिबिलिटी के अगर के एच की वैल्यू दो गैसेस दी हुई हैं एक की के एच की वैल्यू कम है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है हाई होती है जिसका के एच की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है अब एक चीज़ याद रखना अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है और सॉलिबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है सो दैट्स वाई जो एक्वेटिक स्पीशीज है दे आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा के एच का वैल्यू कम होगा और सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो गैसेज क्या होती है जैसे ऑक्सीजन विल बी मोर डिस नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीस लॉ सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है जो सी टू है उसे हम डिजोल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में ठीक है सो बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर जो सी टू है हाई प्रेशर में सील करते हैं एज ए रिजल्ट सी ओ टू डिजोल्व हो जाता है हाई प्रेशर में नेक्स्ट इन सी डीप सी डाइविंग इन डीप सी डाइविंग क्या होता है जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो जब वॉटर के अंदर जाते हैं डीप सी में तो क्या होता है प्रेशर इज वेरी हाई हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रोजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और जैसे ही वो पर्सन जो है दैट डाइवर कम्स टू द सरफेस जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है रिलीज होने लगता है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया नाइट्रोजन ब्लड में रिलीज होने लग जाता है नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं और जो ब्लॉक कर देते हैं कैपलरीज इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड्स ठीक है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें क्या डालते हैं नाइट्रोजन की जगह उसे हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं थोड़ा हीलियम से तो हम हीलियम लेते हैं इलेवन पॉइंट सेवन परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं थर्टी टू पॉइंट वन परसेंट एंड नाइट्रोजन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू परसेंट नेक्स्ट फॉर पीपल लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड और क्लाइंबर जो पीपल जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा एज ए रिजल्ट क्या होगा इंसान फेटीक फील करेगा उसे मेंटली और फिजिकली क्या होगा प्रॉब्लम्स होगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एनोक्सिया नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इसमें बात करेंगे हम लॉ की राउट्स लॉ है फॉर ए सोलूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो इजिली क्या बना सके वेपर्स बना सके तो दोनों लिक्विड हम लेंगे दोनों क्या होंगे वोलाटाइल होंगे द पार्शल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मतलब आपने सपोज दो कंपोनेंट लिए हैं सोल्यूशन में वन एंड टू पहले का मोल फ्रैक्शन वन है काई वन दूसरे का काई टू सपोज आपने कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया तो पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन है वन तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे उसका पार्शियल प्रेशर वन होगा ज्यादा बढ़ेगा अगर आपने कंपोनेंट टू का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया उसके पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन इसको इक्वेट करने के लिए डाल सकते हैं हम पी नॉट वन पी नॉट टू पी नॉट वन प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वन एंड पी नॉट टू इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ जो टोटल प्रेशर होगा पी वन जो पी टू है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शल प्रेशर तो पी वन प्लस पी टू हमारा बना देता है टोटल वेपर प्रेशर हम लिख सकते हैं और हमें पता है ओवरऑल हम हमारा कैलकुलशन आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन काई टू नेक्स्ट हम इस ग्राफ की बात करेंगे इस ग्राफ में क्या दिया सपोज आपने दोनों का मिक्सचर लिया कंपोनेंट वन एंड टू का स्टार्टिंग में क्या सिर्फ कंपोनेंट वन प्रेजेंट है कंपोनेंट टू क्या है जीरो मोल फ्रैक्शन जीरो मतलब कंपोनेंट वन प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर होगा ओवरऑल वो किसके इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन तो ये हो जाएगा पी नॉट वन के जैसे जैसे आप आगे जाओगे क्या होगा कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन हम कम करेंगे सेकंड का मोल फ्रैक्शन हम इंक्रीज करेंगे मतलब फर्स्ट की कंसेंट्रेशन कम करेंगे सेकंड कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा ये पी नॉट वन से क्या होगा प्रेशर क्या होगा कम होने लगेगा और यहां पे क्या हो जाएगा काई वन आ जाएगा काई वन मतलब कि इसका मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का जीरो तो इसका पार्शल प्रेशर भी जीरो हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे कंपोनेंट टू का पार्शल प्रेशर, प्रेशर जीरो था जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे जैसे काई टू बिकम्स इक्वल टू वन तो मतलब

मोल फ्रैक्शन फाइंड कैसे कर सकते हैं इसे बोलते हैं y1, तो पी वन डिवाइडेड बाय पी टोटल सिमिलरली जो वाई टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू इन गैसेस इज इक्वल टू पी टू डिवाइडेड बाय पी टोटल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ अभी हमने पढ़ा था जो राउट्स लॉ होता है

जो राउल्स लॉ है वो सिर्फ स्पेशली हम बात करते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स की बट जो हैनरीज लॉ है उसमें जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो कुछ भी हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है लिक्विड होता है कैस हो सकता है जो क्या बना सके वेपर्स बना सके ठीक है तो हैंनरीज लॉ एक वाइडर लॉ है जिसके अंदर क्या आता है राउल्स लॉ होता है सो जो केएच की वैल्यू है डिफरेंट हो जाएगी तो एक ऐसी वैल्यू होगी जो पी नॉट वन से मैच करेगी सो वेन के एच वैल्यू बिकम्स इक्वल टू पी नॉट वन जो है राउल जो है राउल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जो ओबे करते हैं राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन विल नॉट ओबे राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन तो ये राउट्स लॉ फॉलो करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है राउट्स लॉ का पी वन विल बिकम इक्वल टू पी नॉट वन काई वन पी टू विल बिकम इक्वल टू पी नॉट टू का इसमें क्या हो जाएगा ये अन हो जाएंगे पी वन विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट वन का अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अब दोनों को मिक्स करते हो तो क्या होता है ना तो इसमें हीट इवॉल्व होती है ना तो इसमें एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है जीरो होता है तो इसमें ना तो हीट रिलीज होती है ना तो एब्जॉर्ब होती है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग सपोज आपने दो लिक्विड हंड्रेड हंड्रेड एम के मिक्स किया तो जो हमारा फाइनल लिक्विड बनेगा वो टू हंड्रेड एम का होगा तो ओवरऑल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी ऑफ़ मिक्सिंग इज जीरो सिमिलरली इसमें क्या होता है कि जब आप नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है आप उसको मिक्स करते हो तो हीट या तो रिलीज हो सकती है या तो क्या हो सकती है एबजॉर्ब हो सकती है इज नॉट इक्वल टू जीरो और जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है इसमें क्या होता है जो ए बी इंटरेक्शन है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वो इक्वल होती है बिटवीन द ए ए एंड बी बी इंट्रा इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन के और इसमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है विच मीन्स ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू इंट्रा इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जाम्पल बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन की इसमें आ जाता है एनजेन एन ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन बेंजीन एंड टॉलिन और जो नॉन आइडियल है याद रखना है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसमें पॉजिटिव डिविएशन है नेगेटिव उसमें हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में याद रखना हमारे दो टाइप ऑफ होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन एक शो करते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और दूसरे शो करते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ पहले में क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज आपने दो लिक्विड लिए हैं उनके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू इंट्रा इंट्रामिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए और बी बी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है इसमें क्या होता है नेगेटिव डिविएशन में जो दो डिफरेंट लिक्विड लिया है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू ए ए इंट्रा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अब क्या होता है इसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स से काफी दूर दूर रहते हैं क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कम है ठीक है सो so, दूर दूर रहने वाले मॉलिक्यूल्स को अगर आपने साथ में रखना है तो उसके एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो दैट्स वाई ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव अब मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होती है कम होती है सो so वॉल्यूम भी ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है तो डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव सिमिलरली इसमें क्या होता है जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं स्टेबल हो जाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करता है तो ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी माइनस हो जाएगा हमारा और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्योंकि आपस में क्लोज क्लोज आ रहे हैं वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट रहते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू राउट्स लॉस पी वन इज बिकम ग्रेटर देन पी नॉट वन काई वन और इसमें क्या हो जाएगा P1 वन विल बिकम लेस देन पी नॉट वन काई वन इसमें क्या हो रहा है जो प्रेशर है क्योंकि गैसेस क्या है जो इसके मॉलिक्यूल से आपस में आज इंटरेक्ट करेंगे तो प्रेशर इनका ओवरऑल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम ग्राफ देखेंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट वन क्या है जीरो है कंपोनेंट वन यहाँ पे वन हो रहा है तो इसका नॉर्मल ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था बट पॉजिटिव डिविएशन से एक ग्राफ क्या हो जाता है ये ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव तो डिविएशन में हमारा ग्राफ ऐसे आता है कंपोनेंट वन का सो पी वन ऐसे आएगा पी टू ऐसे आएगा और टोटल प्रेशर का ग्राफ ऐसे आएगा सिमिलरली इसमें क्या होता है सपोज ये कंपोनेंट वन का है मोल फ्रैक्शन जीरो यहाँ पे वन हो गया नॉर्मल लाइन ऐसे आना चाहिए था बट इसमें क्या हो गया वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया हमारी लाइन एक ऐसी आएगी फॉर पी वन पी टू का ऐसे आएगा और पी टोटल की लाइन ऐसी आएगी अगर हम बात करें एग्जाम्पल की पॉजिटिव डिविएशन की हमारा आता है इथेनॉल एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन मिथेनॉल प्लस वाटर कोई भी इसके एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन इसमें क्या होता है सपोज आपके पास दो इथेनॉल है इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से वो स्टेबल होता है तो इसमें क्या होता है इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन ए ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है स्ट्रॉन्गर होता है

एक बाइनरी मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसके वेपर्स और लिक्विड फेज में क्या होता है सेम कंपोजिशन होती है एंड दे बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में बॉइल करते हैं दे हैव हैवे शार्प बॉयलिंग पॉइंट लाइक ए प्योर लिक्विड जैसे प्योर लिक्विड का एक कॉन्स्टेंट बॉयलिंग पॉइंट होता है इन मिक्सचर का भी इनके मिक्सचर का भी एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है सो दे बिहेव लाइक ए प्योर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड इनके जो मिक्सचर के कंपोनेंट था उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेपरेट नहीं कर सकते सबसे पहले हमारा आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सपोज अगर पॉजिटिव डिविएशन होता है एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है वेपर प्रेशर हाइएस्ट होता है पॉजिटिव डिविएशन में अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाओगे ये जो कंसनट्रेशन आती है उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर वेपर प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है लो द मिनिमम बॉलिंग एजो इज फॉर्म बाय सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट लॉ जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउट लॉ से वो बनाते हैं हमारे मिनिमम बॉलिंग हाई हो जाएगा बॉलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एग्जाम्पल नाइनटी फाइव परसेंट इथनॉल बाई वॉल्यूम इन वाटर नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप जब नेगेटिव डिविएशन होती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वेपर प्रेशर क्या होता है लीस्ट होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन हमारी बनाती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हो जाता है so हम इन्हें बोलते हैं मैक्सिमम बॉलिंग एज यो ड्रॉप एग्जाम्पल एच एन ओ थ्री एक्व एच एन ओ थ्री एसिड जिसमें सिक्सटी एट परसेंट एच एन ओ थ्री होगा और थर्टी टू परसेंट वाटर बाय मास प्रेजेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोलूट पार्टिकल जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सोलूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती एज प्रॉपर्टी सबसे पहले हमारा रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए नॉन वोल्टेज सोल्यूट इज एडेड इन ए सोलवेंट जब नॉन वोल्टेज सोलूट आप एड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सपोज आपके पास प्योर सोल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर सॉल्वेंट का हम पी नॉट लिख लेते हैं तो जैसे डिक्रीज हो जाता है अब याद रखना जो भी वेपर्स आ रहे थे वो प्योर सॉल्वेंट की वजह से आ रहे थे सो अकॉर्डिंग टू तो द रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू तो दीनॉट का सो नॉट था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट पी इज प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ई वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट और हमने पढ़ा है जो वेपर प्रेशर अब हो जाएगा सोल्यूशन का पी नॉट रिडक्शन इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट माइनस पी के जो वेपर प्रेशर क्या हुआ रिड्यूस हो रहा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं काय वन पी नॉट सो डेल्टा बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिडक्शन इन वेपर प्रेशर पी नॉट इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे सो so इसको यहां पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा पी बाई पी 1 1, और 1 1 किसके ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर को आप सोल्यूट का ऐसे भी लिख सकते हो एन टू डिड बाय वन प्लस एन टू अगर आपका सोल्यूशन काफी ज्यादा डायल्यूट है तो मतलब सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है तो एन वन विल बी ग्रेटर देन तो आप क्या कर सकते हो एन टू को इग्नोर कर सकते हो यहां पे तो हमारा बन सकता है एन टू बाई एन वन आप इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं वेट बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और वेट ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट तो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सपोज हमारे पास सॉल्वेंट है जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सोलवेंट का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा वो हो जाएगा बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट टीबी जब आपने नॉन वॉलोटेज सल्यूट उसमें डालोगे तो याद रखना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा अब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा तो उसे बोल देंगे टीबी अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हायर है ये टीबी नॉट था सॉल्वेंट का टी बी ऑफ सोल्यूशन का तो ये जो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसे ही हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉन इज बॉलिंग टू द सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंटा टीबी टू टीबी माइनस टी बी नॉर्ट फॉर डायलूट सोलूशन याद रखना डेल्टा टीबी टू मोलैलिटी और वी कैन राइट डेल्टा टीबी टू के बी एम येबी जो है ये हमारा कांस्टेंट है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इसका यूनिट होता है कैलविन के जी पर मोल। हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं के भी, लिख सकते हैं W2 1000 M2 W1. W1, W2 W1 M2 और ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हमारी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेस लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉलिड फेस और लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर जब मैच कर जाता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट सपोज आपके पास फ्रोजन सॉल्वेंट है फ्रोजन सॉल्वेंट सपोज आपके पास आइस है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है ऑन द अदर साइड सपोज आपके पास वाटर है इसका आपने वेपर प्रेशर डिक्रीज किया एक ऐसा पॉइंट आएगा दोनों का वेपर प्रेशर मैच करेगा उसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट्स टी एफ नॉट अब जब आप नॉर्वल्टेज सोल्यूट डालते हो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और अगर आप चाहते हो फ्रोजन सॉल्वेंट और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैच करे तो सोल्यूशन का टेम्परेचर आपको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ता है तो उस टेम्परेचर पे टी पे क्या होता है दोनों का वेपर प्रेशर मैच हो जाता है इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन अगर आप देखोगे डिक्रीज हो रहा है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट इसे ही हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सो वन ए नॉर्वटेज सल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सल्यूशन डिक्रीजिज इसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ के इक्वल और फॉर डायलूट सोलूशन डेल्टा टी एफ इजक्वल टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू मोलालिटी और वी कैन राइट डेल्टा टी एफ इजकअल टू के एफ इन टू एम स्मॉल एम एम इज मोलाटी और एम के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यूनिट होता है कैलविन के जी पर मोल इसके हम मोलालिटी के हम लिख सकते हैं टी एफ इजक्ल टू के एफ उसेंड्लू टू और होता है वेट ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट एम टू इज मोलर मास ऑफ द दलूट और ये था हमारा डिप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमियबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द दोल्यूशन इज कॉल्ड एस ऑस्मोसिस सपोज आपके पास प्योर सॉल्वेंट सल्यूशन है यहाँ पे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है तो सॉल्वेंट क्या करेंगे सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस और याद रखने जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ अलोव करता है movement of solvent molecules की। तो में हमारा और और में आता है हमारा सीलोफेन नेक्स्ट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच डिप ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस वाटर फ्लो करता है तो यहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम मेजर कैसे करते हैं सपोज आपके पास पिस्टन है दोनों पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ठीक है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हम क्या करते हैं रिवर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं पाई इन अपोजिट डायरेक्शन जिससे क्या हो जाएगा फ्लो ऑफ सोलवेंट टू दोल्यूशन स्टॉप हो जाए तो हम रिवर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट तो इनडायरेक्टली हम फाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस इक्वल टू सी आर टी सी होता है हमारा मोलेरिटी और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन आर टी नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मास मैक्रोमोलिक्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स के मॉलिकुलर मास फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज हो सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले है हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन टू सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मॉटिकेशर सपोज दोनों सोल्यूशन का काम है तो उसका ऑस्मॉटिकेशर भी क्या होगा सेम होगा तो देर विल भी नो फ्लो ऑफ सोलवेंट सपोज आपके पास ब्लड सेल का फ्लूड है जिसकी कंसेंट्रेशन इक्वल होती है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट मास बायम ऑफ एन एस एल इसे बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन जो पेशेंट को दिया जाता है इन दोनों सोल्यूशन को क्या होता है दे आर आइसोटोनिक टू ईच अदर

वन सोल्यूशन है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और हायर कंसेंट्रेशन सपोज सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन हायर हो गया देन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट मास बाई वॉल्यूम ऑफ एनिस तो ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा हमारा हाइपरटॉनिक तो क्या होगा हमारा जो सेल होगा वो हो जाएगा हाइपोटॉनिक तो सेल में से क्या होगा वाटर फ्लो करेगा बाहर सेल क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑसमोसिस में क्या करते हैं एक तरफ हमारे पास सॉल्ट वाटर होता है एक तरफ क्या होता है फ्रेश वाटर हमें पता है नॉर्मली क्या होता है फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ क्या होता है वाटर की मूवमेंट होती है और इसमें क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है अगर हम क्या करें हम रिवर्स प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो याद रखना क्या होता है हमारा रिवर्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है क्योंकि हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन तो उससे क्या होता है जो सॉल्वेंट है सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं और इसे ही हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज एप्लाइड टू दल्यूशन साइट सोल्यूशन साइट पर हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया प्योर सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन प्योर सोलवेंट यहां से बाहर निकल जाएगा थ्रू सेमीपर्मिएबल मेम्रेन और इससे हम कर सकते हैं डिस नेक्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास सबसे पहले एसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है इट लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन विच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है जो प्रॉपर्टी है है वो डिपेंड करता नंबर ऑफ सेल्यूट पार्टिकल्स में अगर एसोसिएशन होती है एसोसिएशन से क्या होता है नंबर ऑफ सेल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो जाते हैं क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती है एग्जाम्पल हमारे पास इथोनॉक एसिड इन बेंजीन जो इथोनॉइक एसिड है वो बेंजीन में क्या कर सकता है एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है कंबाइन कर सकता है इट कैन फॉर्म डायमर अब याद रखना डायमर बनाने से इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा वन ट्वेंटी नॉर्मल मोलिकुलर मास था सिक्सटी मतलब क्या इसका सपोज हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास मास तो सेम रहता है बट जब एसोसिएशन होती है तो मोल्स क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा अगर मोल्स हाफ हो गया मास सेम है तो मोलर मास क्या हो जाता है हमारा डबल हो जाता है ठीक है तो याद रखना एसोसिएशन से क्या हो जाएगा मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा इसके केस में, दो हैं, मोलर मास होता है इंक्रीज in हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने की वजह से क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है जैसे के सी एल आपने वाटर में लिया वो डिसोसिएट हो जाएगा के प्लस एन सी एल नेगेटिव में ठीक है अगर हमने एक मोल लिया हुआ है मास मोलर मास तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे डिसोसिएशन से हो तो मोलर मासवन पॉइंट टू फाइव विच इज एबल मोलर मास और जो एक्चुअल और नॉर्मल मोलर मास होता है सेवनटी फोर पॉइंट फाइव नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर आई जो आई है वो हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या हो सकता है क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है तो हम बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर इज आई जो हमें बताएगा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बारे में आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास ओके एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन में क्या होता है आई की वैल्यू कम होती है जो हमारा टिव प्रॉपर्टीज है वो भी डिक्रीज होती है डिसोसिएशन में नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज सो इट इज ग्रेटर देन वन सोडिफाइडेटिव प्रॉपर्टीज तो अब हम क्या करेंगे जो वेंट हॉफ फैक्टर है उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे सारे फॉर्मुलाज में सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम आई करेंगे के इक्वल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सब फॉर्मुलाज में हम आई की वैल्यू यूज करेंगे आई होप आपको सोल्यूशन चैप्टर समझ आया हो सिमिलर वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय